हेलो एवरीवन, CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, HCU एंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ नियर अबाउट कितने रहते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये जनरल डिस्कशन होगा और लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आपका CUET PG एंट्रेंस जो आपके मार्च में कंडक्ट होगा और आपका जो फॉर्म है वो आपके दिसंबर के लास्ट तक आपका आ जाएगा। अब इसमें आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे सेंट यूनिवर्सिटी में आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, HCU पार्टिसिपेटिंग है, तो इनके कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट कितने रहते हैं? तो 300 मार्क्स का आपके टोटल पेपर होता है और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 200 प्लस कट ऑफ रहता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ और नियर अबाउट अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 200 के नीचे यानी आपके 190 से प्लस जो है आपके कट ऑफ रहता है। ठीक है, ये कट ऑफ बाद में गिरता है जैसे जब आपका स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, जब सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तब आपके ये थोड़ा कट ऑफ और नीचे जाता है। बट जो है कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो आपके 190 प्लस टू लेके 200 प्लस आपके फॉर जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए रहता है। बट जो है इस बार हमें देखने के लिए मिलता है कि BHU का जो स्पॉट राउंड हुआ उसमें बहुत मिनिमम मार्क्स पे आपके एडमिशन हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं सीट को विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में जब जिनके कम मार्क्स होते हैं उनको वो सीट मिल जाती है एट वेरी मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये भी होता है बट आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बट शुरुआत के जो कट ऑफ रहते हैं वो आपके 190 प्लस और 200 प्लस के अप्रॉक्सीमेट देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट है बट यहाँ पर एक मैं जनरल वे में आपको बता रही हूँ। तो प्रिपरेशन जब भी करिएगा और टेस्ट जब भी दीजिएगा तो कोशिश करिएगा कि आपका जो स्कोर हो वो 190 प्लस आपके 200 प्लस के अप्रॉक्सीमेट आए, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो नियर अबाउट इतना आ पाए जिससे कि आपके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक